नमस्कार वहाला विद्यार्थी मित्रों, इंस्पायर कोचिंग क्लासेस में आप सर्वनु हार्दिक स्वागत है। आज वीडियो में आपने द्वितीय प्रिलिमिनरी परीक्षा के जे तमारी फेब्रुआरी महीना में लेवानी छे तेमां धोरण 9 नु हिंदी विषयनो जे 50 मार्क्स नु पेपर छे तेनो आपणे सोल्यूशन जोवाना छे। जो विभाग ए गद्य विभाग पहलो सवाल है मदन का गाँव खाली जगह के पहाड़ी क्षेत्र में था, तेनो जवाब है अल्मोड़ा। पछी बीजो सवाल है विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगलियों दिखाकर खाली जगह की ओर संकेत किया, तेनो जवाब है पंचतत्वों। पछी तीजो सवाल है महाकवि कालिदास खाली जगह थे, तेनो जवाब है बाण से पहले। पछी चौथुं तू जो अगर हिम्मत से खाली जगह ले तो तेनो जवाब आवशे काम। पछी पांचमो सवाल है रानी कौन सी साहित्यिक विद्या है, तेनो जवाब आवशे रानी रेखाचित्रकर साहित्यिक विद्या है। छठो कालिदास के जन्मस्थान का नाम बताइए, तेनो जवाब है कालिदास का जन्मस्थान उज्जैन एटले के माना जाता है। सातमो सवाल मदन के दाज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध क्यों आ गया, तेनो जवाब है मदन कैफे का एक साधारण बॉय था जबकि जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। सबके सामने मदन का बार बार दाज्यू कहना उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं लगा, इसलिए मदन के दाज्यू आवृत्ति पर जगदीश बाबू को क्रोध आया। आठवां सवाल गामा पहलवान अपने शिष्य से लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं थे, तेनो जवाब है गामा पहलवान भारतीय गुरु शिष्य परंपरा में मानते थे, उसके अनुसार गुरु शिष्य को अपने से अधिक यशस्वी दिखाना चाहते हैं, इसलिए वे अपने नाम के शिष्यों से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। पछी नवमो विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश में अधिक महत्व कब मिला, तेनो जवाब है विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, आरंभ में उन्हें भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ था, वे जब अमेरिका गए और उन्हें वहाँ नाम कमाया तब भारतीयों ने उन्हें सम्मान देना शुरू किया। इसी प्रकार रविंद्रनाथ ठाकुर को यहाँ कोई नहीं जानता था, उन्हें जब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया तब बंगालवासियों ने उनकी प्रतिभा पहचानी और वे बंगाल के नहीं सारे देश के गौरव बने हुए। इस प्रकार विदेशों में सम्मानित होने पर ही विवेकानंद और रविंद्रनाथ ठाकुर को इस देश ने महत्व मिला। तेना अथवा बीजो सवाल है विद्योत्तमा का परिचय दीजिए, तेनो जवाब मैं तमने लखीने आपेलो छे। विभाग बी जोईए पद्य विभाग। 10मो सवाल है बाबा खाली जग्या ने तुलसीदास को अपने पास रखा, तेनो जवाब आवशे हरिदास। 11मो सवाल कवि की दृष्टि में खाली जग्या सर्वाधिक महान है, तेनो जवाब आवशे मनुष्य। पछी काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए धरती की शान तू तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे तू मनुष्य बड़ा बहान। पछी आगळ जोईए 13मो सवाल आर्य किन किन विषयों में आचार्य थे, तेनो जवाब आवशे आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल्यों में आचार्य थे। पछी 14मो सवाल धरती की शान कविता के रचयिता कौन है, तेनो जवाब आवशे धरती की शान कविता के रचयिता पंडित भरत व्यास है। 15मो सवाल तुलसीदास ने भगवान को कौन कौन से गुण बताए हैं, तेनो जवाब आवशे तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अत्यंत दयालु दानी और आभरता है, वे अनाथों के नाथ दुखियों के दुख दूर करने वाले तथा सब तरह के हितैषी है। 16मो सवाल मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है, तेनो जवाब है मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते इसलिए उसके प्राणों को अमृता का वरदान मिला है। 17मो सवाल है तुलसीदास ने अपने और भगवान के बीच कौन कौन से संबंध जोड़े हैं क्यों, तेनो जवाब है तुलसीदास किसी भी रूप में भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि भगवान दयालु है तो वह दिन अर्थात दया के पात्र है, यदि प्रभु दानी है तो तुलसीदास भिखारी है, वह प्रभु पापों का नाश करते हैं तो तुलसीदास ऐसा कोई पापी नहीं, प्रभु अनाथों के नाथ है तो तुलसीदास जैसा कोई अनाथ नहीं, यदि प्रभु दूर करते हैं तो तुलसीदास जैसा कोई दुखी नहीं है, प्रभु ब्रह्म है तो तुलसीदास जीव है, प्रभु स्वामी है तो तुलसीदास सेवक है, भगवान ही तुलसीदास के माता पिता गुरु सखा आदि सब कुछ है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान से अपने अनेक संबंधों जोड़े, इसका कारण यह है कि वे किसी भी संबंध से भगवान की शरण पाना चाहते थे। नाथवा में बीजो 17मो सवाल है धरती की शान कविता के केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, तेनो जवाब मैं तमने लखीने आपेलो। त्यारबाद जो व्याकरण विभाग एटले के विभाग सी। 18मो सवाल है पसीने की कमाई तो एनु शुं करवानुं छे, आपणे मुहावरेनो अर्थ आपवानो छे, तो तेनो जवाब है कठिन परिश्रम का फल इंजीनियरिंग की यह डिग्री मेरे पसीने की कमाई है। पछी आगळ छे कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 19मो सवाल है अंधेरी नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, तेनो जवाब है अर्थ थशे मूर्ख शासक के शासन में अन्याय और अव्यवस्था होती है, वहाँ भले बुरे सब एक समान समझे जाते हैं। पछी आगळ निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। 20मो आदमी को दौलत का घमंड है, तेनो जवाब है उस आदमी को दौलत का घमंड है। पछी 21मो सवाल रोगी, तेनो जवाब है विरुद्धातिशय निरोगी। पछी आगळ छे पर्यायवाची शब्द शानो पर्यायवाची शब्द थशे गौरव। पछी शब्द समूह के लिए एक एक शब्द। 23मो सवाल है जिसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं होता वो एने कहेवाय अनाथ। पछी आगळ जोईए उपसर्ग बतावानो छे अपसंभावनो, तेनो अहीं उपसर्ग मैं तमने लखीने आपेलो छे। पछी 25मो सवाल है भाववाचक संज्ञा पहचानवानी छे एटले के ओळखवानी छे। पराया सौंदर्य देखकर लोग मोहित हो जाते हैं, तेनो जवाब है सौंदर्य। પછી આગળ નિમ્નલિખિત વાક્યોમાં કર્તૃ વાચક संज्ञा पहचान कर ली है। 26मो सवाल है कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तेनो जवाब है कवि। 27मो एक दिन महंत और उनके दो शिष्य अंधेरी नगरी में आ पहुंचे, तेनो जवाब है अंधेरी विभाग डी लेखन विभाग। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सरस मजाने एक फकरो आपेलो है। 28मो सवाल है मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था, तेनो जवाब है मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए किया था। 29मो सवाल है पुस्तक से हमें किन किन जानकारी मिलती है, तेनो जवाब है पुस्तक से हमें प्राचीन वीरों, महात्माओं, ऋषियों, नाट्यकारों तथा कवियों आदि की जानकारी मिलती है। पीछे आगे है उपयुक्त गठियाखंड के लिए उचित शीर्षक बताइए, तेनो जवाब है पुस्तकों का महत्व। पीछे आगे है रेखांकित आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सीख दीजिए। तो ये सरस मजाने आपने मुद्दाओं आपेला है, तेना आधारे आपने वार्ता लखवानी है। जो ये वार्ता प्रयत्न से सफलता, तेनो जवाब है एक राजा था, वह तो बहुत पराक्रमी पर उसके पास सैन्य बल अधिक न था। पड़ोसी राज्यों के राजा ने उस पर कमजोरी से लाभ उठाने का निश्चय किया, उसने उस पर हमला कर दिया। घमासान लड़ाई के बाद पहला राजा हार गया, उसने अपने राजपाट से हाथ धोना पड़ा। पराजित राजा शत्रु के भय से संकट में भाग गया। वहीं एक पहाड़ी की गुफा में उसने शरण ली। एक दिन वह उस गुफा में चिंतित होकर बैठा, इसी समय उसकी दृष्टि गुफा की दीवार पर चढ़ी हुई एक मकड़ी पर पड़ी। वह मकड़ी गुफा की छत पर पहुंचना चाहती थी, लेकिन कुछ ऊपर बढ़ चढ़कर फिर नीचे गिर पड़ती थी। मकड़ी ने कई बार प्रयत्न किया पर उसे सफलता न मिली। 25 बार वह नीचे गिर पड़ती थी, इसने इतने पर भी मकड़ी ने हिम्मत नहीं हारी। अंत में उसने पूरी हिम्मत लगाकर ऊपर चढ़ना शुरू किया और वह छत पर चढ़ गई। मकड़ी की हिम्मत, इस हिम्मत और सफलता के राजा ने चकित कर दिया। इस नई दृष्टि मिली, उसके रगों में भी साहस का संचार हो। उसकी निराशा और चिंता छुमंतर हो गई। वह फिर अपने राज्य मंडोला और गुप्त रूप से सैन्य जमा करने लगा। फिर उसने पूरी शक्ति से शत्रु पर राजा पर चढ़ाई कर दी और उसने आत्मविश्वास से युद्ध जीता किया और शत्रु वही जीत गया। शत्रु राजा मारा गया और उसकी बची हुई सेना दुम दबा कर भाग गई। इस प्रकार राजा को अपना राज्य तो मिला ही और राज्य भी मिल गया। सीख शूँ है तो कि सचमुच छोटे बड़े जीवों से भी हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। निष्फलता मिलने पर प्रयत्न जारी रखने से अंत में सफलता जरूर मिलती है। तेना तो आपने एक पत्र लेखन आपेलो है, तो आपने आ पत्र लेखन लखवानो है, जेनो मैं तमने बतावेलो है, जे तमारे वाँचवानो है, समझवानो है, याद राखवानो है, परीक्षा में आए तो लखीने आवतो रहेवानो है। त्यारबाद जोईए 100 शब्द में निबंध लिखिए। पुस्तकालय है, मनुष्य के जीवन में ज्ञान का बहुत महत्व है। शिक्षा के रूप में स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों को ज्ञान दिया जाता है। संतों के प्रवचनों से भी हमें ज्ञान मिलता है, पर इस मामले में पुस्तकालयों की भूमिका निराली है। पुस्तकालयों को तो ज्ञान का भंडार ही कहना चाहिए। पुस्तकालय सरस्वती के पवित्र मंदिर है। पुस्तकालयों में धर्म, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, कला, ग्रंथ और शब्दकोश भी होते हैं। बड़े बड़े धनवान व्यक्ति के लिए भी इतनी सारी पुस्तकें खरीदना या अपने घर में बंद रखना संभव नहीं है। पुस्तकालयों में बैठकर पढ़ने की सुविधा भी होती है। पुस्तकालयों में अनेक दैनिक, साप्ताहिक, पत्र एवं मासिक पत्रिकाएं आती है। कोई भी व्यक्ति वहां बैठकर इन सबको पढ़ सकता है। पुस्तकालय के सदस्य बनकर हम मनचाही पुस्तकों पढ़ने के लिए घर भी ले जा सकते हैं। पुस्तकालय ऐसी ज्ञान गंगा है जिसमें कोई भी डुबकी लगा सकता है। फुर्सत का समय पुस्तकालय में बिताने से हमें बहुत लाभ होता है। यहाँ वहाँ रखी महान लेखकों की पुस्तक हमें ज्ञान के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। कहानियों और उपन्यास पढ़ने में मन हल्का हो जाता है। अच्छी पुस्तकें पढ़ने से मन में नए विचार आते हैं और नई प्रेरणाएं मिलती है। देश विदेश की साहित्य पढ़ने से हमारी दृष्टि विस्तृत होती है। इस प्रकार पुस्तकालय हमारे लिए वरदान साबित हो सकते हैं। आदर्श पुस्तकालय वही होता है जो सबके लिए खुला हो, सार्वजनिक, उसका सदस्य शुल्क अधिक न हो, उसमें उच्च कोटि की साहित्यिक पुस्तकें और विज्ञान और उद्योग संबंधी पुस्तकें अधिक मात्रा में हो। आदर्श पुस्तकालय दिन भर खुला रहता है, इससे अधिक लोगों को उसको लाभ उठा सकते हैं। सचमुच पुस्तकालय ज्ञान के दीपक से समान होते हैं। भारत में जैसे विकासशील देशों में गांव-गांव में पुस्तकालय होने चाहिए। पुस्तकालयों में प्रकाश से ही अज्ञान का अंधेरा दूर हो सकता है। एना तो बीजो आपनो निबंध है वृक्षारोपण, जेनो जवाब मैं तमने लखीने आपेलो है, जे तमारे शू करवानो है, वाँचवानो है, समझवानो है, याद राखवानो है, परीक्षा में लखीने आववानो है। विद्यार्थी मित्रों, आ वीडियो जोयो, सांभळ्यो, समझ्यो ते बदल आप सर्वनो खूब खूब आभार। आवा ज एक नवा वीडियो साथे आपणे फरी मळीशुं, ત્યાં સુધી चैनल सब्सक्राइब न करी हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और आवाज नवा नवा वीडियो साथ आपणे फरी मळता रहीशुं। जो कोई प्रश्न हो तो नीचे कॉमेंट में लखीने बताओ।